शहर में गंगा दशहरा पर्व को लेकर शिप्रा नदी का जल बदला गया है। उज्जैन में गंगा दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम के साथ शिप्रा नदी रामघाट पर मनाया जा रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा श्रद्धालु की आस्था को देखते हुए शिप्रा नदी का ठहरा हुआ पानी को निकालकर शिप्रा नदी में नर्मदा नदी का पानी छोड़ा गया। गंगा दशहरा पर उज्जैन में 15 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें शिप्रा नदी में विराजमान माँ गंगा का पूजन, अभिषेक और विशेष श्रृंगार किया जाता है। पर्व को देखते हुए पंडित पुजारियों ने शासन प्रशासन से मांग की थी कि नदी का ठहरा हुआ पानी आचमन के लायक नहीं बचा है। ठहरे हुए पानी के कारण बदबू भी आ रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा पहले तो नदी का पानी खाली किया गया, उसके बाद नर्मदा नदी का पानी शिप्रा नदी में छोड़ा गया, जिससे श्रद्धालु को शिप्रा नदी में स्नान और आचमन करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पानी छोड़ा गया और जो गंदा पानी था उसको बाहर निकाला गया, और यहाँ पर गंगा दशहरा पर्व पर सभी श्रद्धालुजन इस पुण्य सलिला माँ शिप्रा में डुबकी लगाने और पर्व स्नान का महत्व है। यहाँ पर हजारों की संख्या में स्नान करने आते हैं श्रद्धालु जन महाकाल। क्या नाम है? सोमेश जोशी।